आज रात को सोते समय अपने प्यार को पाने की एक छोटी सी दुआ कर सकते हैं आप। ऐसा वशीकरण होगा, ये कभी नहीं टूटेगा। और सिर्फ आज ही रात में ये ना करें, आप हर रात छोटी सी ये प्रार्थना करके सोएं। आपका प्रेमी आपके वश में हो जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं घरेलू तंत्र विद्या। मैं हूँ तांत्रिक छन्नूलाल और मैं आपको अपने चैनल घरेलू तंत्र विद्या पर एक वशीकरण की दुआ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ऐसी प्रार्थना है, स्वीकार होगी। रूठे हुए बिछड़े हुए प्रेमी को वश में करने के लिए महाप्रचंड ये तरीका होगा। एक बार वशीकरण ये करके देखिए, ये वशीकरण कभी टूटने वाला भी नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया आपने कमा लिया, लेकिन प्यार आपको छोड़ के चला गया। दोस्तों, बड़े बड़े राजाओं ने अपनी प्रजा को वश में किया है और प्रजा ने अपनी राजा को, इसका इतिहास है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सो रहे हैं, सोने से पहले सारे काम कर लीजिए। अब आपको सिर्फ सोना रहे तो बस एक छोटी सी प्रार्थना करनी है आपको। ये कभी खाली नहीं जाएगी। हर रोज़ आप इस वशीकरण की छोटी सी दुआ को कर सकते हैं। और ये कैसी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे रट लीजिएगा। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप इसको सीख लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा और इसको आप भी रट लीजिएगा। आप कहीं भी रहते हों, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आप वहाँ से इस उपाय को कर सकते हैं। आप कहीं भी सोएं, आज यहाँ सोए हैं तो कल आप कोई दूसरी रिश्तेदारी में गए हैं वहाँ सो जाएंगे, वहाँ पर भी सोएंगे तो ये भी आप कर सकते हैं। आप कहीं भी रहें, किसी भी जगह पर रहें, जब सोने चलें, चाहे दिन हो या चाहे रात, जब भी आप सोएं तब आप इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात को सोते समय आप इसे करेंगे, लेकिन दोस्तों अधिकतर लोग 95% रात को ही सोते हैं। 5% ऐसे हैं जो काम की वजह से दिन में सोते हैं। तो जो दिन में सोने वाले लोग हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। हम आपको यहाँ से एक तरीका बताएंगे, वैसे आपको करना है। आप जब सोते हैं तो अपना मुँह ढक लीजिएगा और ढाँकने के बाद में आपको ये बोलना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा के चार मसान। इतना बोलकर अब आप उसका नाम लीजिए और नाम लेने के बाद में मन लगाकर बाबा मसान से आप बोलिए कि वो आपके वश में हो जाए, उसकी कॉल आ जाए, ये आपकी जो समस्या है इसका समाधान हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई और बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनका पति छोड़कर चला गया है, उनका पति उनसे मिलने उनके घर आ जाएगा, देर भी नहीं लगेगी, कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है। इस उपाय को आप प्रतिदिन करते रहिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो खोया हुआ इंसान भी आपसे मिलने आ जाएगा, ये भी वशीकरण का बहुत अच्छा तरीका है। दोस्तों, आज से पहले आपने जैसा हमने बताया ऐसा आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब हम आपको एक और जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई मंत्र उच्चारण ना करना पड़े और आपको वशीकरण की खिलाने पिलाने की सामग्री चाहिए या फ़ोटो के ऊपर डालने वाली सामग्री चाहिए वशीकरण करने की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, हमसे संपर्क ज़रूर करिएगा, आपके घर ये सामग्री भिजवा दी जाएगी। दोस्तों, और भी किसी काम के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको ये वशीकरण की दुआ अच्छी लगी हो और इस उपाय को आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल घरेलू तंत्र विद्या को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में अपना नाम और